अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे दोस्तों, मैं और आप देख रहे हैं लाइक कोर्ट कलाम टूरिज्म। तो दोस्तों, रात के बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और अब तक तकरीबन 1 फीट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है और मज़ीद बर्फबारी जो है वो हो रही है और पूरी वादी जो है वो धुंध की लपेट में, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। और कलाम की तरफ बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 फीट के करीब बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी है और मज़ीद सिलसिला आज पूरा दिन जारी रहेगा। तो मुख्यमे मौसमियात के मुताबिक आज पूरा दिन बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और कल से 2 दिन के लिए फिर वक्फे वक्फे से कभी बारिश, कभी बर्फ़ और कभी धूप, यह सिलसिला जारी रहेगा। तो इस वक्त भी अच्छी बड़ी बर्फ़ पड़ चुकी है, तकरीबन फिट के करीब बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी है और मज़ीद मौसम जो है वो बर्फबारी का बताया जा रहा है। तो रोड की सूरत हाल ये है कि अब तक तो तकरीबन मैंने सुबह देखा रोड पे एक कोस्टर तो जा रही थी, रोड तो खुला है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। मलिक नबील तो तखीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत, अल्लाह मेरे भाई को खुश और सलामत रखे। अल्तान हुसैन यूसुफ़ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, अल्लाह खुश और सलामत रखे आपको। तो वादी जो है इस वक्त भी धुंध की लपेट में और अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है हर तरफ और मौसम जो है वो इस वक्त भी शदीद किस्म की बर्फ़ जो है वो हो रही है। फरहान गुजर साहब, माशाल्लाह भाई, अल्लाह खुश और सलामत रखे। तो आज पूरा दिन बताया जा रहा है कि बर्फबारी का सिलसिला जो है वो आज पूरा दिन भी जारी रहेगा। तो रोड की सूरत हाल के बारे में तो ये बताया जा रहा है कि अभी तक लाइकोट से पुशमाल तक रोड तो बिल्कुल क्लियर है, आगे की इतला हमें नहीं मौसूल हुई कि आगे सूरत हाल क्या है, लेकिन बर्फ़ जो है वो उस साइड पर कलाम वाली साइड पर तकरीबन इससे ज़्यादा है, 2 फीट उससे हमारे यहाँ से 2 फीट का तकरीबन ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे। तो इधर हमारे यहाँ 1 फीट के करीब बर्फ़ है। तो कलाम में जो है वो तकरीबन 2 से 3 फीट के करीब बर्फ़ जो है पड़ी है। तो यह है वादी लाइकोट जो कि कलाम से 8 किलोमीटर पहले रास्ते में आता है, यहाँ भी अच्छी बड़ी बर्फ़ पड़ चुकी है और मज़ीद सिलसिला जो है वो जारी है। सानी गुल जिगर 888 गुजर, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, अल्लाह खुश और सलामत रखे आपको। तो देखने वाले जितने भी दोस्त हैं, तो फरहान भाई कह रहा है कि रोड जो है वो कलाम तक बिल्कुल क्लियर है, उसको अपडेट मिली होगी, तो बिल्कुल रोड क्लियर है क्योंकि यहाँ पे सुबह मैंने देखी कि कोस्टें जो हैं वो कलाम की तरफ जा रही थी। तो अभी आप मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ तो कंफर्म मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाई कह रहे हैं कि रोड क्लियर है, कोई किसी किस्म की मुश्किलात नहीं। खालिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत, अल्लाह मेरे भाई को खुश और सलामत रखे। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़ुबैर भाई, अल्लाह खुश और सलामत रखे, मज़ी कवर हो रहा ज़ुबैर भाई, इन मज़ों दे तू तो नाश कितना हो गया, हम के मज़ा करन लगा वे बंदा। तो मौसम जो है आज भी पूरा दिन इसी तरह रहेगा, बर्फ़ का सिलसिला जो है वो आज भी तकरीबन ये बताया कि 100% बताया जा रहा है कि आज भी ये बर्फ़बारी का सिलसिला आज पूरा दिन इसी तरह जारी रहेगा। शाहिदुल्ला और अगजई सलामुना हंगू से, अल्लाह भाई को सलामत और खुश रखे, हंगू से हम सलाम पेश कर रहे हैं।
अल्लाह मेरे भाई को खुश और सलामत रखे। सैफुल्लाह अरमानी, सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, क्या है? ठीक ठाक हरियत। तो सूरत हाल मौसम की आप लोगों के सामने है। हाँ, उमर फारूक कसाना साहब अस्सलाम वालेकुम भाई। जफर रोड क्लियर है? बिल्कुल फारूक भाई भी कह रहे हैं कि रोड क्लियर है, कोई किसी किस्म की टेंशन वाली बात नहीं है। तो मुझे तो अभी सुबह मैंने एक बंदे से पूछा, कह रहे हैं कि रोड जो है वो पुशमाल तक क्लियर है, आगे का पता नहीं है। तो आगे भी मेरे ऐसा किसी से रब्ता नहीं हुआ था। तो अभी भाई कह रहे हैं कि रोड बिल्कुल क्लियर है, कोई किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। जगह जगह बुलडोजर खड़े किए हुए हैं, अगर रोड बंद भी हो जाए तो उसी टाइम उसको खोल दिया जाता है। जान से जान सैयद अतमान खेल, खुश रहो ब्रदर। मलक सिराज तो ताखेल साहब, अल्लाह खुश रखे, इंजॉय करो ब्रदर। आप भी इस इंजॉय से भागकर पिंडी में बैठे, तो खुश रखे मेरे भाई को, सलामत रखे। रोड के बारे में बताया जा रहा है, रोड बिल्कुल क्लियर है, अगर किसी ने आना हो तो कलाम की तरफ बिल्कुल आ सकते हैं, रोड क्लियर है, कोई किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। ए जेड जानी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत। तो देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि बर्फ़ारी के शौकीन हज़रात आपकी प्रोफाइल से हमारी वीडियो लाइव देख सकें। और अगर कलाम की तरफ किसी आना हो तो उसको अपडेट मिले और वो कलाम की तरफ बिल्कुल आ सके, कोई किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। जगह जगह बुलडोजर खड़े किए हैं, रोड बिल्कुल क्लियर है, अगर कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ कैसे हो? मौसम माशाल्लाह ज़बरदस्त है जी, बिल्कुल अल्लाह खुश और सलामत रखे। मौसम तो कल पूरा दिन बारिश रही और तकरीबन 4 बजे के बाद बर्फ़ारी का सिलसिला जारी रहा और रात गए बर्फ़ भी जारी रही। तो अब तक तकरीबन फिट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है और मज़ीद सिलसिला जो है वो आपके सामने है। तो आज पूरा दिन भी बताया जा रहा है कि आज पूरा दिन जो है बर्फ़ारी का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा, और कल से तकरीबन फिर 2-3 दिन के लिए वक्फे वक्फे से कभी बारिश, कभी बर्फ़ और कभी धूप। अजीज़ ख़ान, ओ भाई क्या हाल है? अल्लाह को करम है जी, तारी दुआ है, तू किसो अच्छो है, बाल तबीयत खैरियत। तो अल्लाह तना भी खुश ते सलामत रखें। सईद इशारे साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम रोरा सुमर और रशीद, तकरीबन फिट के करीब ज़्यादा पड़ चुकी है, फिट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है और कलाम में तकरीबन 3 फिट के करीब बर्फ़ पड़ी है। अल्लाह तौफीक देगा आप लोगों का, अल्लाह खुश और सलामत रखे। एज़ एड जानी साहब, मुरसलीन ख़ान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। ये किधर बर्फ़बारी हो रही है ब्रदर? ये कलाम में बर्फ़बारी हो रही है और तकरीबन कलाम में 3 फिट के करीब बर्फ़ पड़ी है। और मैं ज़रा कलाम से पहले रास्ते में आता हूँ, लाइक कोट नामी गाँव है वहाँ से हूँ, तकरीबन यहाँ भी फिट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। अनवर अफरीदी मुस्तफ़ा साहब कैसे हैं भाई? अल्लाह का करम, खैर खैरियत। साजद हमदर सर जी, कौन सी जगह है? मैं मलेशिया से हूँ ब्रदर, खुश और सलामत रखे। साजद हमदर साहब, ये कलाम है और आप हमें मलेशिया से देख रहे हैं, अल्लाह खुश और सलामत रखे ब्रदर। अमजद गुजर साहब जियो, अल्लाह खुश और सलामत रखे भाई को। और आदि नादिम माशाल्लाह जी, अल्लाह खुश और सलामत रखे। तो देखने वाले जितने भी दोस्त हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें अपनी प्रोफाइल से, ताकि आपके दोस्त भी हमारे पेज से लाइव वीडियो जो है वो आपकी प्रोफाइल से देख सकें और लाइव और बर्फ़ को इंजॉय करें, लाइव बर्फ़बारी इंजॉय करें। थैंक यू जानी, अल्लाह खुश और सलामत रखे ब्रदर।
अल्लाह आपको भी सलामत और खुश रखे। शराफत और ताकत साहब, मैं बाहर नहीं निकला, बर्फ़ कितनी हुई है ब्रदर, फिट के करीब बर्फ़ पड़ चुकी है। अल्लाह खुश और सलामत रखे। मोहम्मद इसाक खान, सलाम। जफर भाई, अल्लाह खुश और सलामत रखे। इसाक भाई, सन्नी मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है ब्रदर, ज़बरदस्त जी। काजी नाजिम साहब, अल्लाह खुश और सलामत रखे। सनी मलिक साहब, मोहम्मद इसाक साहब, शराफत साहब, जानी साहब, अल्लाह खुश सबको खुश और सलामत रखे। यह है सुबह की ताज़ा तरीन अपडेट जो कि हम आपको कलाम से लाइव पेश कर रहे हैं। तो महकमे मौसमियात वालों का कहना है कि अगले 3 दिन जो है वो वफ़े वफ़े से बर्फ़ारी का यह सिलसिला जारी रहेगा। आज तो पूरा दिन बताया जा रहा है कि बर्फ़ का सिलसिला इसी तरह आज पूरा दिन शाम तक जारी रहेगा। इंजॉय करो जी, अपना भी ख्याल रखना, खुश रहो ब्रदर, अल्लाह आपको भी खुश और सलामत रखे, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए। काजी नाजिम साहब, तो आज पूरा दिन भी यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो रोड की कंडीशन ये है कि रोड बिल्कुल क्लियर है। अगर मुझे तो सुबह तक इतला नहीं मिली थी, अभी 2-3 बंदों ने ये कहा है कि रोड बिल्कुल क्लियर है, कोई किसी किस्म की मुश्किलात नहीं। तो सुबह तो मैंने देखी थी कि दो तीन कोस्टें जो हैं वो कलाम की तरफ जा रही थी और पुशमाल तक रास्ता क्लियर बताया जा रहा था, आगे का नहीं पता था। अभी आगे का भी अभी इतला मिल रही है कि रास्ते बिल्कुल क्लियर है, जगह जगह बिल्डर खड़े किए हैं, अगर किसी जगह कोई मुश्किल हो तो उसी टाइम उसको क्लियर कर देते हैं। रहमत अली तो दाखिल साहब, ज़बरदस्त, अल्लाह खुश और सलामत रखे। मोहम्मद आसिफ़ सादी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, के आले थारो हूँ। मोहम्मद आसिफ़ सादी, कतर से, मुझ ठंडो मौसम है। अल्लाह मेरा भाई ना खुश तो सलामत रखें, तो अल्लाह इज़्ज़तमंद करें जी। हमारा पे नजीक है वो सूदी कतर से देखे, अल्लाह खुश तो सलामत रखें। मजीद कवा मोहम्मद इसाक़ भाई, अल्लाह खुश और सलामत रखे ब्रदर, अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। जितने भाई भी हमें देख रहे हैं सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें और दुआओं की दरख्वास्त है कि हमें भी दुआओं में याद रखिया करें। तो आज पूरा दिन ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और कल तकरीबन 2-3 दिन के लिए बताया जा रहा है कि वक्फे वक्फे से कभी बारिश, कभी बर्फ़ और कभी धूप होगी। तो आज का दिन पूरा दिन बताया जा रहा है बर्फबारी का यह सिलसिला आज पूरा दिन ये जारी रहेगा। तो बहुत सारे दुआओं के साथ अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर के बर्फ करें। मोहम्मद इसाक साहब, बिल्कुल अल्लाह खैर की करें, अल्लाह मुसलमानों दा, इंसानों दा, सब तक खैर करे। तो पल को मौसम है ते इंशाल्लाह अल्लाह खैर की बराएगो। तो जितने देखने वाले दोस्त हैं सबको प्यार भरा सलाम और खुश रहें। हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह खुश और सलामत रखे सब भाइयों को और दुआओं की दरख्वास्त है कि हमें भी दुआओं में याद रखिया करें। खुश रहें, सलामत रहें।